नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। मैं आपके समक्ष साप्ताहिक राशिफल लेकर उपस्थित हूं। 8 से 14 जून के मध्य क्या होगा आपके जीवन में, हम आपको उसका एक संक्षिप्त जानकारी देंगे जिससे आप आने वाले सप्ताह को प्लान कर सके क्या अच्छा क्या बुरा है। ये जानकारी नाम राशि और आपकी लग्न राशि पर आधारित होगी। आप सभी लोग अपनी अपनी राशि के बारे में जानिए, सुनिए, समझिए और वीडियो के अंत में बताए गए उपाय को भी फॉलो करिए। इस सप्ताह में आपके साथ जो भी घटित होगा उसके बारे में हम आपको संकेत दे देंगे ताकि आप अपने आने वाले वक्त को अच्छी तरीके से समझ सके। तो यही कहूंगा कि आइए शुभारंभ करते हैं साप्ताहिक राशिफल का। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास आपकी जन्म कुंडली नहीं है तो आप इतना जान लीजिए आप आधी अधूरी जिंदगी जी रहे हैं। अगर आपको आपके बारे में नहीं पता और दुनिया के बारे में सब कुछ पता है तो इसका मतलब हुआ आपने कभी अपने ऊपर, अपने ग्रहों के ऊपर ध्यान फोकस ही नहीं किया। और जिस व्यक्ति का फोकस सही ना हो वो व्यक्ति सफलता नहीं पा सकता है। तो आप अपने अपने फोकस को, अपने विजन को, अपने लक्ष्य को, अपने अपनी महत्वाकांक्षाओं को अगर सही जगह पर निवेश करना चाहते हैं, सही जगह पर तीर लगाकर आप नंबर वन रहना चाहते हैं तो आप लोगों को करना क्या है, अपनी जन्म कुंडली बनवानी है। जन्म कुंडली बनवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिखकर हमें भेजना होगा। फिर हम और आप मिलकर उस कुंडली पर चर्चा करेंगे कि इसमें क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो पूरी चर्चा के बाद मैं आपको उपाय बताऊंगा, रत्न बताऊंगा, रुद्राक्ष बताऊंगा, जो भी आपको पहनना चाहिए जिससे आपको इमीडिएट लाभ हो सके। तो उसके लिए भी आप लोग दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल की। 8 तारीख से 14 तारीख के बीच में क्या होने वाला है आपकी राशि के साथ में। बात करते हैं तुला राशि की। सप्ताह के शुरू के दिन में स्वास्थ्य, खुशी और शारीरिक ऊर्जा, मानसिक ऊर्जा, शांति, धैर्य और आत्मविश्वास में कमी का संकेत मिल रहा है। यानी कि आप व्याकुल होंगे, चिंताग्रस्त होंगे। कार्य सिद्धि में विफलता आपके आत्मविश्वास को और नीचे लेकर जाएगी। नए कार्यों को शुरू करने के लिए यह शुभ समय नहीं है। जो कर रहे हैं उसी को सावधानी पूर्वक करें वरना स्थगित कर दें, नए काम की शुरुआत ना करें। सप्ताह के मध्य की अवधि में सेहत और आत्मविश्वास को बनाए रखने के लिए आपको विशेष प्रयास करने पड़ेंगे, परंतु फिर भी मनोकूल परिणाम नहीं आएंगे। सप्ताह का शेष भाग सामाजिक गतिविधियों के लिए शुभ बना हुआ है लेकिन उत्साह और आत्मविश्वास की कमी रहेगी। आपके भाई बहन, दोस्त यार और रिश्तेदारों के साथ आपके संबंध औसत बने रहेंगे। लोग आपसे मिलना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे लेकिन आप लोगों से ठीक तरीके से बात नहीं करेंगे। आपके व्यवहार में शिष्टाचार नहीं होगा जिसकी वजह से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आपको आपके काम की मान्यता नहीं मिल पाएगी। आप कुछ व्यवसायिक गतिविधियों में दिलचस्पी लेने की योजना बना सकते हैं, ऐसी योजनाओं को मध्य में छोड़ना भी पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर तुला राशि वालों के लिए दूसरा सप्ताह बहुत लाभकारी नहीं है। अब बात करते हैं 8 जून की। आज आपका उत्साहवर्धन किए जाने की संभावना है। आपके आत्मविश्वास में कुछ कमी रहेगी। आपका खर्चा बढ़ सकता है। खान पान के मामले में सावधान रहें। आर्थिक स्थिति में नुकसान हो सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है। आपका जीवन साथी आपसे नाराज हो सकता है। विद्यार्थी निरर्थक गतिविधियों में अपना समय नष्ट करेंगे। व्यापारी लोग लंबी यात्रा पर जाएंगे जिसका परिणाम आशाजनक नहीं होगा। 9 जून की बात करें, आपका व्यय बढ़ सकता है। आपकी आय से अधिक खर्चा हो सकता है। व्यर्थ के धन खर्च से बचने की कोशिश करिएगा। आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। आपके छोटे भाई बहन से आपको तनाव हो सकता है। भाई बहन से लड़ाई झगड़ा हो सकता है। जीवन साथी से संबंधों में कड़वाहट आ सकती है। स्वयं पर नियंत्रण रखें, व्यर्थ के वाद विवाद से बचें, अन्यथा आपका घर का वातावरण भी प्रभावित होगा। आज का दिन अपने स्वास्थ्य में निवेश करने के लिए आपके लिए ठीक रहेगा। स्वास्थ्य में निवेश करने का मतलब है कि कुछ आप हेल्थ इंश्योरेंस ले सकते हैं या अपने लिए कोई पैकेज बुक करा सकते हैं, जैसे जिम का पैकेज ले लिया या कोई अच्छे डॉक्टर से आपने कोई टिप्स ले ली हेल्थ को अच्छा रखने के लिए। यानी स्वास्थ्य के ऊपर पैसा खर्च करना, यानी स्वास्थ्य को अच्छा रखने के लिए पैसा खर्च करना आज आप कर सकते हैं। 10 जून की बात करते हैं। आपका दिन अपव्यय और उदासी को दिखा रहा है। प्रत्येक क्षेत्र में आपको निराशाजनक परिणाम प्राप्त होंगे, इसलिए धैर्य धारण करें। समस्याओं के निदान हेतु ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यात्रा पर जाते समय सावधानी रखें। प्रेमी प्रेमिका को मिलने के लिए आज मौका मिल सकता है लेकिन संभल कर मिलें, भाषा सही प्रयोग करें।
11 जून की बात करते हैं तो आज सप्ताह का सर्वश्रेष्ठ दिन होगा। निश्चित रूप से आपको समाज में मान सम्मान की प्राप्ति होगी। व्यापारियों को आज निश्चित रूप से अनेक लाभ होने की संभावनाएं हैं। यह समय शेयर मार्केट सट्टेबाजी में निवेश करने के लिए शुभ है। आप आत्मनिर्भर होंगे। कुल मिलाकर आपके लिए प्रसन्नतादायक समय रहेगा। सभी महत्वपूर्ण निर्णय सोच समझ कर लिए जाएं तो और भी बेहतर रहेगा। 12 जून की बात करेंगे। आज आपके परिवार में उत्सव जैसा माहौल होगा। आप किसी सामाजिक गतिविधि में शामिल होंगे। आर्थिक पक्ष से संतुष्ट होंगे। आपके परिवार के लोग आपसे प्रसन्न रहेंगे। आप अपनी वाणी से दूसरों का दिल जीत लेंगे। आज आप खरीद फरोख्त के कार्यक्रम को रद्द करके घर पर रहना पसंद करेंगे। परिवार के साथ ज्यादा वक्त बिताना पसंद करेंगे। आपकी दाहिनी आंख में कोई समस्या आ सकती है। आपकी आमदनी के नए रास्ते खुलने वाले हैं। पारिवारिक कार्यों में जीवन साथी का साथ और सहयोग प्राप्त होगा। 13 जून की बात करें तो आज आप जोश और हिम्मत से कुछ ऐसे काम करेंगे जो मुश्किल काम करेंगे जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। काम मुश्किल लेकिन आसानी से कर लेंगे। कुछ छोटी बड़ी यात्राएं भी होंगी। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहिएगा। यदि आप वाहन खरीदने की योजना या कोई बड़ा निवेश करने की योजना बना रहे हैं तो उसे स्थगित करना पड़ेगा। आपके संबंध आपके जीवन साथी से किसी भी कारणवश थोड़े से तनावग्रस्त हो सकते हैं। सावधान रहिएगा। बात करेंगे 14 जून की तो आज कड़ा संघर्ष करने का दिन है जिसके कारण आप तनाव और थकान ग्रस्त हो सकते हैं। आपके छोटे भाई बहन का सहयोग आपके आत्मविश्वास को बनाए रखेगा। जो भी काम करेंगे उसमें बहुत हिम्मत और मेहनत लगेगी। उसकी सफलता के लिए को मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए धैर्य बनाए रखें और अपने सभी कामों को चालू रखें। पैसा कड़ी मेहनत से प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ संबंध मधुर बने रहेंगे। आपके बच्चे आपको श्रेष्ठ परिणाम देंगे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो तुला राशि वालों के लिए सप्ताह बहुत बेहतरीन तो नहीं है। आपको 60% ही शुभ लाभ होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और आपके लिए लकी नंबर भी 6 रहेगा। आप बहुत संभल कर इस सप्ताह में कदम आगे बढ़ाएं वरना कदम कदम पर कांटे भी हैं, धोखा भी है और परेशानी भी है। तो कुल मिलाकर आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी चाहिए। माँ सरस्वती की आराधना जरूर करनी चाहिए ताकि आपकी बुद्धि निर्मल बनी रहे और हनुमान जी आपके कष्टों को दूर करें और आपको ताकत दें, बल बुद्धि विद्या दें हनुमान जी। तो इतना करिए, इससे आपको लाभ हो सकता है। बाकी आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई समस्या है या आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति अच्छी नहीं है तो आप जरूर जांच कराएं। अगर आपकी ग्रहों की स्थिति आपकी जन्म कुंडली में अच्छी नहीं होगी तो यह सप्ताह ज्यादा कष्टकारी हो सकता है और अगर अच्छी हुई तो कम कष्टकारी होगा। अगर आपको नहीं पता है कि आपके ग्रह किस प्रकार से बैठे हैं आपकी जन्म कुंडली में तो आप दिए गए नंबरों पर संपर्क करके अपनी कुंडली की जाँच और मुझसे बात करके अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी पड़ेगी। हरिओम नमस्कार। पति पत्नी के प्यार में कमी हो, वैवाहिक जीवन में सुख में कमी हो, पति पत्नी के शारीरिक संबंध बनाने में कमी आ रही हो, संतान पैदा करने में कोई तकलीफ आ रही हो, भूत प्रेत तंत्र मंत्र बाधा का प्रभाव हो, घर में अशांति हो, शादी के योग हैं लेकिन शादी नहीं हो रही, पैसा टिक नहीं रहा, शनि की 7.5 काल से दोष परेशान कर रहा है, दुश्मन परेशान कर रहा है, मन चाहा नौकरी नहीं, मन चाहा घर नहीं, मन चाही गाड़ी नहीं, कुछ भी हाथ में आता नहीं, बस काम चलाओ सरकार चल रही है, तो आप इनको धारण करें। ये तीनों रत्नों का ये जो लॉकेट आप देख रहे हैं एक साथ मढ़ा हुआ आपको मिलेगा 1750 रुपये में। 1750 रुपये में पंच धातु में मढ़े हुए ये लॉकेट होगा और आप इसे पहनकर लाभ ही लाभ उठा सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए L6 लिखें और मंगा लें। 1750 रुपये इसकी कीमत है। यकीन मानिए जीवन से दुख भाग जाएंगे और ये अजेय लॉकेट है यानी हर एक चीज पर आपको विजय प्राप्त होगी। तो अभी ऑर्डर करें L6 लिखकर और 1750 रुपये इसकी कीमत है। ये पंच धातु में मढ़ा हुआ होगा। ओरिजिनल प्राण प्रतिष्ठित रत्न है, आपको जीवन में सुख और समृद्धि दे देंगे। L6 मतलब आपके जीवन का वो रामबाण इलाज जिसको करके आप हमेशा हमेशा के लिए शत्रु और रोग और परेशानियों को कहेंगे बाय बाय। तो अभी ऑर्डर करने के लिए L6 लिखें। बाकी आपका दिन मंगलकारी रहे। भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते रहिएगा। नमस्कार।